ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද ගාථා තථා නම්බර් 70 70 ඒ ආජීවක ජම්බුකී කහණි හැ රාජගේ වැණුවන්සේ जम्बूक का मतलब पाली में होता है गीदड़। एक सावित्री के अंदर धनी सेठी यानी सेठी था, उसके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा बचपन से ही जो और सामान्य बच्चे थे उनसे अलग था, इसलिए असामान्य था उसका व्यवहार। क्योंकि कई बार हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें अलग तरह की रचना हो जाती है, अलग तरह का फाइलें कोई मिस हो जाती है या कोई पड़ जाती है तो उससे दिक्कत आती है। ये जन्म कैसे होता है, ये जहां से फाइल रिसीव होती है वहीं से इसका गड़बड़ होना या इसका ठीक होना या खराब होना उस पर निर्भर करता है। वो बच्चा रात में उठता है और मल को खाता है, जो मल आसपास होते हैं, ना तो वो चावल खाता है ना जो उसे भोजन दिया जाता है वो खाता है, वो मल खाता है। यानी कि अपना मल किया उसको खा गया या कोई मल मिला तो उसे खा गया। और रात को वो उठता था, जब थोड़ा बड़ा हुआ पैरों पर खड़ा होने लगा तो वो गीदड़ की तरह मुंह खोलकर खड़ा हो जाता था। ये उसकी विचित्र आदत थी। इस आदत की वजह से उसको आजीवक के पास में, यानी जो आजीवक लोग थे, आजीवक मत था, उनके पास में उनको दे दिया गया कि वहां वो ध्यान तपस्या साधना करेगा और शायद ठीक हो जाए या उनके काम आए। आजीवक के पास जाने पर उसका नाम जम्बूक आजीवक पड़ गया, तो उसका पूरा नाम ही जम्बूक आजीवक था। वो क्या करता था कि रात को तो वो मल खाता था और रात को सोता था और दिन में एक पैर पर खड़े होकर मुंह खोल के रहता था। लोग समझते थे कि ये बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत ज्यादा तपस्या करता है, देखो एक पैर पर मुंह खोल के खड़ा हुआ है और ये पूरे दिन कुछ खाता भी नहीं, तो लोग उसकी सेवा की वैसे उसकी तपस्या को देख के बड़े भाव विभोर हो जाते थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। और पुराने समय में जो बात समझ में ना आए, जो बात विचित्र हो, वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी, उसको लोग ज्यादा देखते थे, ज्यादा उसको तवज्जो देते थे और उसको मानते थे। ये बात आज भी है कि जो चीज अलग तरह की होती है उसको लोग देखने कोतुलवश या ये देखने के लिए ये कैसी है, विचित्र है, उसके लिए आते हैं। ये मनुष्य जिज्ञासा का एक हिस्सा है। तो लोग उसके लिए खाने पीने का सामान लेके आते थे तो वो बड़ी अदा और एक्टिंग दिखाते हुए, बड़ा नाटक करते हुए एक घास का तनका तोड़ता था और उस घास के कुछ के तनका तोड़ता था और उस कुछ के तनके से चौंच बराबर जरासा जो आगे का चौंच होता था, अग कुछ का भाग, कुछ का अग भाग, अग्र भाग से थोड़ा सा भोजन उसे टच करता था और मुंह में रखता था और कहता था कि बस मेरा काम हो गया, मैं तो हवा खा के जिंदा रहता हूं, मैं भोजन नहीं खाता। लोग उसकी बड़ी वाह वाह करते, कितने बड़े तपस्वी हैं, एक टांग पे खड़े हैं, मुंह खुला हुआ है और हवा खाते हैं, खाना खाते नहीं है, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। ऐसे करके उसकी वाहवाही चारों तरफ होती थी। ऐसे करते करते उसको 55 साल हो गए। भगवान बुद्ध ने देखा कि इस व्यक्ति में अधिष्ठान की पारमिता है, यानी कि ये समाधि में दृढ़ रह सकता है, क्योंकि ये 55 साल से दृढ़ रह रहा है। अगर इसको सही जानकारी मिले, सम्यक जानकारी मिले, तो ये अर्हत होने की भी शक्ति रखता है। ये अर्हत हो जाएगा, इसे मुक्त प्राप्त हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ऐसा जानकर भगवान ने उसको ज्ञान देने का सोचा। भगवान बुद्ध की, तथागत की या सम्यक संबुद्ध की एक खास बात थी कि जहां आवश्यकता होती थी वो उस व्यक्ति के पास उस समय खुद ही पहुंच जाया करते थे। वो ऐसा नहीं करते थे कि जहां वो विहार में ठहरे हैं वहां उस आदमी को लाया जाए या उसको बुलवाया जाए या वहां जाके उसको कहा जाए कि बुद्ध ने तुझे बुलाया है और तू वहां आ। वो खुद ही पहुंचते थे, खुद ही लोगों का कल्याण करते थे। ये सम्यक संबुद्ध की खास बात होती भी है। तो रात के तीसरे पहर में जब वो मल खा रहा था, बुद्ध उसके पास पहुंच गए। बुद्ध का शांत चेहरा देख के, उनकी एक छवि देख के, उनकी आभा देख के, उनकी चमक देख के, उनकी शरीर की पूरी बॉडी लैंग्वेज को देख के, शरीर की पूरी शक्ति को देख के वो हक्का बक्का रह गया। और चूंकि वो मल खा रहा था तो मल खाते खाते उसके मन में चोर भी था, क्योंकि वो दुनिया को बताता नहीं था कि वो रात को मल खाता है और उस पर जीवित रहता है। तो वो उसके बिल्कुल हाथ में ठंडे पड़ गए, वो पकड़ा गया। अब वो झूठ नहीं बोल सकता था। भगवान बुद्ध ने बड़ी करुणामयी आवाज से उसको समझाया कि तुम छदम ज्ञान में रह रहे हो, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अगर तुम सम्यक सम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो इसको ज्ञान को सीखो।
उसने उनकी बात स्वीकार की, ज्ञान को धम्म को सीखा और वो अर्हत हो गया। अर्हत होने के बाद में ये चर्चा जब भिक्खु संघ में चली, तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, गाथा नंबर 70। मासे मासे कुछ अगेन, मासे मासे कुछ अगेन, बालो भुंजेत भोजनं, नैसो संखात धम्मानं कलं अग्धति सोड़ सिंह। मासे मासे कुछ अगेन, मासे मासे कुछ अगेन का मतलब है महीने महीने के बीच में, यानी महीने महीने में एक बार कभी कभार कुछ अगेन, जो कुछ है घास है उससे, जो अगला भाग है उससे। बालो भुंजेत भुंजेत भोजनंग, बालो का मतलब है जो मूढ़ व्यक्ति है, जो सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जो पाप को इकट्ठा कर रहा है। भुंजेत भोजनंग, भुंजेत का मतलब है भोजन करे, भोजन करे, भुंजेत माने करे और भोजन, भोजनंग माने भोजन को। नैसो संखात धम्मानंग, न माने नहीं, सो माने वह, और संखात धम्मानंग का मतलब है संखार गत धम्मानंग। संखार जो बोलते हैं पाली में, इसका मतलब संस्कार होता है, और गत माने संस्कार जो चला गया, ये जो जो लेता है या सीख चुका है। धम्मानंग धम्म का, यानी कि जो धम्म के संस्कार को सीख चुका है, जान चुका है, धम्म की दीक्षा को देख चुका है, या धम्म निष्ठ हो चुका है, या धम्म को पहचान गया, या धम्म को जानता है। कलंग अघति सोड़सी, कलंग माने भाग है और अघ माने होता है मूल्य कीमत, अघ माने मूल्य कीमत है और अघति माने मूल्य कीमत लगाता है, यानी कि किसी की हम कीमत लगाते हैं तो कहते हैं अघति। कलंग माने भाग और सोड़सिंह माने सोलवा, यानी कि ऐसा मूढ़ व्यक्ति जो महीने महीने में घास की नोक से अगर भोजन करता है और जो ऐसा नाटक करता है, दिखावा करता है, वो किसी धम के जानकार का सोलवा हिस्सा भी नहीं है। ये गाथा उस समय कही। इस गाथा के मायने कभी खत्म नहीं हुए। बेसिकली ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया के अंदर संतों का फायदा उठा के, साधुओं का, जो अच्छे जानकार लोग हैं, जो सीधे साधे हैं, क्योंकि साधु और संत की जो सबसे बड़ी पहचान है, अगर वो करनी हो आपको, तो बुद्ध का पूरा जीवन देखना चाहिए। साधु कभी पैसा इकट्ठा नहीं करता, अपने हाथ से पैसा भी नहीं पकड़ता, यानी जो संत होता है, जो भिक्खु होता है, या जो बुद्ध, तो खैर सुप्रीम है, अगर बुद्ध होते तो हम बुद्ध की बात करते हैं, तो अपने हाथ से ना वो पैसे पकड़ते हैं, ना वो अपना ज्ञान सिखाने के लिए पैसे मांगते हैं, ना कोई वो आडंबर करते हैं, ना कोई वो इस तरह का कोई ढोंग और स्वांग करते हैं, ना ही कोई ग्रुप बनाते हैं, ना ही कोई पार्टी बनाते हैं, ना ही वो राजनीति में कूदते हैं, ना ही उनका कहीं राजनीति से कोई लेन देन होता है, या राजाओं से लेन देन होता है, या सरकार से लेन देन होता है, ना ही वो किसी पर धौंस जमाते हैं। उनके लिए सभी बराबर हैं, वो कोई ग्रुप करके या किसी अलग तरीके से नहीं लगते, और ना ही वो परिवारवाद में जाते हैं, ना ही वो मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग का मतलब है कि सिखाया या बताया तो उसका प्रचार प्रसार करके उसका इतना ऊंचा पहुंचा देना एडवर्टाइजमेंट करके कि लोगों को लगे कि पता नहीं कितना बहुत बढ़िया बताया है, ना ही वो एक तरफा ज्ञान देते हैं। एक तरफा ज्ञान जो होता है वो इस तरह का होता है कि मैंने अपनी बात आपको कह दी और आपने वीडियो में सुन ली, ये एक तरफा ज्ञान है। अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि ये सवाल कैसे है, ये सवाल कैसे है, और मैं आपका जवाब देता हूं, तो ये दो तरफा ज्ञान है, क्योंकि आपकी मेरी जो उपलब्धता है वो नेट से है, या इंटरनेट से, फेसबुक से है, या ट्विटर से है, या मोबाइल से है, या अगर आप मेरा फोन नंबर जानते हैं तो फोन से है, तब मैं आपके प्रश्न का अगर जवाब देता हूं तो हमारी जानकारी आदान प्रदान में आती है, वरना तो ये जानकारी प्रदान में ही है, यानी कि मैं आप ही को दे रहा हूं। जो मैंने कह दिया आपको लगता है ठीक है, चेक कर सकते हैं कि ठीक है तो मान लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। तो अधिकतर संत जितने भी हैं, जो सच्चे संत हैं, वो जानकारी सही देते हैं और जानकारी के बदले में कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर भी देते हैं। मगर जो संत नहीं होगा, जो आडंबर वाला होगा, जो धंधा करेगा, जो व्यापार करेगा, जो बिजनेस करेगा, उसका एक तरफ ही रहता है। अगर कोई प्रश्न पूछता भी है तो उसको या तो बैठा देंगे,
या चुप करा देंगे या प्रसन्न करने का अगर वो नाटक भी करेगा तो प्रसन्न करने वाले भी उसी के ग्रुप के होंगे। प्रश्न भी उसका होगा, जवाब भी उसका होगा और प्रश्न पहले से भी तैयार होगा। कोई प्रश्न वो ऐसा नहीं पूछते ना ही उन्हें देते कि जिससे वो अटक जाए। और कोई अगर व्यक्ति खड़ा होकर बीच में कोई और प्रश्न पूछेगा तो उसके उसके बाउंसर या उसके सहयोगी या जो उसके ग्रुप के लोग हैं या उस कंपनी के लोग हैं या उस टीम के लोग हैं या जो उन्होंने वो व्यापार की संस्था बनाई हुई है वो उसे कोने में ले जाकर समझा देते हैं, किसी भी तरह से समझा देते हैं। साम दाम दंड भेद छल कपट सब के सब समझाने के तरीके हैं। तो भगवान बुद्ध ने सम्यक संत होने की, सही संत होने की जितने गुण थे वो सारे गुण दिए और जीवन में अप्लाई भी किए। संत जो होगा, जो सब खाते हैं वही खाता है, कम खाता है, जितने कपड़े सब पहनते हैं उसके अनुयायी या उसके जाने वाले वैसे ही पहनता है, कोई उसकी ऐसी इच्छा नहीं होती जो बिल्कुल स्पेशल हो। संत सारा जो अपना वचन देगा, प्रवचन देगा, वो चौड़े में देगा, खुले में देगा, बंद कमरे में कभी नहीं देता। वो किसी को अकेले में कभी मिलेगा नहीं, उसकी कुटिया में सिर्फ वो अकेला रहेगा जहां वो रेस्ट करेगा, आराम करेगा। जिससे मिलना होगा वो सार्वजनिक रूप से बाहर मिलेगा। अगर वो अंदर बुलाता है, कमरे में बुलाता है, घर के अंदर बुलाता है या कोठी बुलाता है तो वो संत नहीं है, क्योंकि संत के पास में कोई ऐसी बात नहीं होती जो वो सार्वजनिक ना कर सके। और अगर कोई ऐसी बात संत कहता है कि जो समय कहने लायक नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो संत नहीं है, वो साधु नहीं है, वो सच्चा व्यक्ति नहीं है, वो ईमान पे चलने वाला व्यक्ति नहीं है। क्योंकि तो ईमानदार जो होगा, जो सच्चाई पे चलेगा, वो कभी किसी से कुछ नहीं छुपा सकता, उसके पास कुछ नहीं होता छुपाने के लिए, और वो कोई ऐसी बात करेगा भी नहीं। जो सच्चा होगा, संत होगा, वो ना व्यभिचार करेगा, ना झूठ बोलेगा, ना वो हत्या करेगा, ना वो शराब पिएगा, ना नशा करेगा, ना वो पता करेगा, और ना ही वो कोई ऐसा आचरण करेगा जो आचरण जीवन में खराब आता हो, ना ही चोरी करेगा। तो ये छोटी छोटी मोटी मोटी बेसिक बातें हैं जो किसी संत को, किसी साधु को चेक करने के लिए आप कर सकते हैं। अगर कोई फार्म भरवाता है, फीस लेता है, पैसा लेता है, किसी भी नाम से लेता है, या बहुत बढ़िया बढ़िया चमकदार कपड़े पहनता है, या बहुत बढ़िया बढ़िया आसन है, या बहुत बढ़िया बढ़िया अलंकार पहनता है, सुशोभित पहनता है, तो आप उसकी तुलना बुद्ध के जीवन की तुलना से कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वो कितना साधु संत है, कितना नहीं है। तो ऐसे आजकल के समय में जो लोग हैं वो कोट पैंट टाई लगा के भी आ रहे हैं और वो अपने आप को इस तरह से कहते हैं, बताते हैं कि जैसे सारा ज्ञान वो जानते हैं। उनका जीवन फेलियर से भरा हुआ होता है और वो फेलियर से भरे हुए जीवन के जो लोग हैं, लोगों को ज्ञान बताने के लिए मेंटरशिप करते हैं और वो कहीं से अधकचरा ज्ञान ले आते हैं, बाकायदा एक सवा लगाते हैं, उसमें टिकट बुक कराते हैं, पैसा लेते हैं, ऐसा शो करते हैं कि जैसे कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। उस शो के अंदर उनके 10 20 50 लोग होते हैं जो उनका प्रश्न पूछते हैं, उन्हीं की वो फिल्म बनाते हैं, उन्हीं की मूवी बनाते हैं, उसी को प्रचारित करते हैं, वही प्रश्न दिखाते हैं और बाकायदा उनका नेटवर्किंग और उनका मैनेजमेंट, बाकायदा पैसे लेके प्रश्न कहां से देगा। लोग परेशान रहते हैं तो लोग थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके सोचते हैं हमारी परेशानी दूर हो जाए, इसके पास कोई जवाब होगा। ऐसा उनके पास नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास कोई इसका जवाब है या अगर वो सच में मेंटरशिप करना चाहते हैं या सच में वो लोगों का भला करना चाहते हैं तो वो पैसा नहीं लेंगे, ये पहली शर्त है। अगर वो पैसा लेते हैं तो वो उनका बिजनेस है। फिर इससे बेहतर है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि जो साइकोलॉजी का डॉक्टर होता है उसका तो व्यापार ही ये होता है कि वो आपकी मनोस्थिति को समझ के, मनोविज्ञान को समझ के और जो आधुनिक विज्ञान है उसके हिसाब से इलाज आपका करे, दवाई दे, गोली दे, वो बेहतर है, कम से कम सर्टिफाइड है। मगर अगर आपको ये लगता है कि आपको ध्यान में जाना है, आपको अपने जो मन की स्थिति है उसको ठीक करना है, आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप dhamma.org जो विपसना का सेंटर है वहां चले जाएं। विपसना लगभग 200 सेंटरों में और इसके अलावा छोटे मोटे सेंटर होते हैं उनमें बिल्कुल फ्री है। विपसना के 100 से ज्यादा सेंटर विदेशों में है और 100 सेंटर करीब इंडिया में है। सारे सेंटर में ना आपका कोई धर्म पूछेगा, ना आपका जात पूछेगा, ना आप गरीब हैं अमीर हैं ऐसे पूछेगा। आपको एक नेट से फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरने के बाद आप वहां जाइए, अगर आपका वो सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट जो होता है वो होता है पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि चूजन होता है, जो पहले आता है उसको मिलता है। वहां कोई नहीं देखा जाता क्योंकि आपका कोई स्टेटस वहां भरा नहीं जाता। अगर आप वहां चले जाते हैं तो उनका नियम पालन कीजिए, आप उसको सीखिए। वो बिल्कुल आज के समय जो बनाया गया है वो वही पुरानी पद्धति है जब एक गुरु एक शिष्य को बिना किसी लोभ लालच के कोई जानकारी सिखाता था। मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरा पहला अनुभव विपसना का, वो देख लें,
क्योंकि मैं भी परेशान था, मैं भी बड़ा परेशान रहा, मगर वहां जाने से लेके आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं सैकड़ों और हजारों लोगों को मोटिवेट कर चुका हूँ कि आप वहां जाइए, आपको अच्छा महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा, मेरी गारंटी है। और जितने भी लोग आज तक वहां गए हैं, एक भी ये कहना नहीं आया कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया, मैं तो वहां जाके और परेशान हो गया। सब ने ये कहा कि आपने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया जगह आपने भेजा। और उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को भी वहां भेजना शुरू किया, जिन्होंने सबने लाभ लिया, सभी इसमें बढ़िया हो गए। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kamesu michacharavirmani sikkhapadam smadhyami।